Hello students, welcome to Electro Classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, here I come with another important naming reaction, which is WURTZ FITTIG reaction. So let's start. What is the meaning of WURTZ FITTIG reaction? We have already discussed about WURTZ reaction and FITTIG reaction. WURTZ FITTIG reaction is a combination of the reactants of WURTZ and FITTIG reactions. Okay, the WURTZ or WURTZ FITTIG reaction में क्या होता है? आपने WURTZ reaction में क्या सीखा कि आपने alkyl halides का combination कराया with sodium metal in presence of dry ether. FITTIG reaction में आपने सीखा aryl halides का combination और यहाँ पर आप सीखेंगे दोनों के mixture का combination. तो क्या है? When a mixture of an aryl halide or an alkyl halide और aryl halide के एक mixture को जब हम गर्म करते हैं with sodium metal in presence of dry ether, तो हमें क्या मिलते हैं? आपको we get homologous series of benzene, मतलब आपको benzene की homologous series मिलती है. Homologous series मतलब benzene पर कोई भी आपका क्या होगा? Alkyl chain add हो जाती है. तो इस reaction को हम क्या बोलते हैं? WURTZ FITTIG reaction बोलते हैं. और ये एक variation है WURTZ reaction का. Okay? आपको clear हुआ इतना? आइए चलते हैं इनकी reaction पर. यहाँ पर हमने एक क्या लिया? Aryl halide लिया. यानी कि ब्रोमो बेंजीन, ओके. और यहां पर हमने क्या ले लिया? मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, जो कि आपका क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है. तो दोनों के कॉम्बिनेशन का जब हमने रिएक्शन कराई किससे? सोडियम मेटल से. तो हमने किसकी प्रेजेंस में गर्म किया इसको? ड्राई ईथर की. तो यहां पर क्या हुआ? मिक्सर मिलता है हमको तीन से प्रोडक्ट्स का. किसका मिक्सर मिलता है? तीन प्रोडक्ट्स का. उसमें क्या होता है? एक CH3 दूसरे CH3 से बॉन्डिंग करके इथेन का डेवलपमेंट करता है. एक फिनाइल ग्रुप दूसरे फिनाइल ग्रुप से अटैच होकर बाइफिनाइल का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. और एक प्रोडक्ट बनता है हमारा जब ये फिनाइल ग्रुप आपका किससे अटैच हो जाता है? मिथाइल ग्रुप से. तो ये तीन टाइप के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं. ये दोनों इस रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, मेजर अमाउंट इन दोनों की होती है क्योंकि इन्हें ये सेल प्रोडक्ट्स है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है. इसकी अमाउंट कैसी होती है? माइनर होती है. ओके, तो ये रिएक्शन हमारी कहाँ यूज होती है? बेसिकली जब आपको बेंजीन रिंग में लेंथी एल्काइल चेन इंट्रोड्यूस करनी हो तो वहां पर हम WURTZ FITTIG रिएक्शन का यूज करते हैं. यहां पर अगर आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बेंजीन में अगर आप यहाँ CH3 की जगह C2H5 ले लेते हैं तो एक कार्बन एटम और बढ़ जाएगा. 3 ले लेते हैं तो तीन कार्बन एटम बढ़ जाएंगे. इस तरीके से हम नॉर्मल एल्काइल साइड चेन को बेंजीन रिंग में इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WURTZ FITTIG रिएक्शन. ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी व्हाट इज द मीन ऑफ WURTZ FITTIG रिएक्शन एंड हाउ इट इज वर्क्स टू इंक्रीज द नॉर्मल लॉन्ग एल्काइल चेन्स इन द बेंजीन रिंग. ओके, होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू.